रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है, फिर फ्रूट सीड्स जर्मिनेट करते हैं और उससे नया प्लांट आता है। इसके अलावा प्लांट्स रूट स्टेम लीव से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें गैमीट्स कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्ट सेम कॉपी होता है पेरेंट की, इसमें एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं? फ्रैगमेंटेशन, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में होता है, एल्गी में होता है। बडिंग, बडिंग में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म में आउटग्रोथ आती है, ये तो कोई आउटग्रोथ है, धीरे धीरे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर ये मेन प्लांट से अलग हो जाएगा, ये हाइड्रा में होता है। ये क्यों होता है? ये बड बड क्यों बनती है? बड इसलिए बनती है क्योंकि साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है एट वन एंड ऑफ द सेल, ठीक है? साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो गया और क्या बन गया? एक बड बन गई, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो में, ठीक है? और एक न्यूक्लियस क्या होता है? बट के अंदर एंटर हो जाता है, फिर बट ग्रो हो जाती है। तो पहले साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हुआ, फिर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म के एक्यूमुलेट होने के बाद न्यूक्लियस दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, एक न्यूक्लियस ये इस बट इस मेन प्लांट ऑर्गेनिज्म में रहा और एक बट के अंदर चला गया, फिर बट बड़ी हो गई और ये मेन पेरेंट से अलग हो गई। कभी कभी क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म में ये बट निकली और ये बट अलग नहीं हुई, फिर इसने भी रिप्रोडक्शन किया और बट्स आपस में चिपकी रही, ये कोरल्स में होता है, ठीक है? और ये फिर इतने सारे एक साथ हो गए, चिपके रह गए सब लोग और सब रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कॉलोनीज। क्या कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डिटैच नहीं किया। एक तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स में एक नॉब होता है, या प्लांट्स में कह लो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर है, उसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। ये स्पोर केस बर्स्ट होता है और स्पोर्स एयर में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। फिर अगर इनको एक ऐसी जगह मिल जाती है, जैसे मान लो इनको एक ब्रेड मिल गई, क्या मिल गई? ब्रेड, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया, थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई इनको, तो ये जैसे ब्रेड हमारी पड़ी हुई है, ठीक है, खुली, तो ये स्पोर उस पर गिरा, इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया एयर से, तो यहाँ पे फंगस ग्रो हो जाएगा। ऐसी ब्रेड क्या हो जाती है? ब्रेड में फंगस ग्रो हो जाता है, तो क्योंकि एयर में स्पोर्स हैं, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो ये क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जब प्लांट्स ग्रो करता है रूट से, स्टेम से या लीव से, रूट से, स्टेम से या लीव से। अब जैसे पोटेटोज होते हैं, पोटेटोज में क्या होता है? स्टेम ट्यूबर्स होते हैं, ऐसे ट्यूबर्स होते हैं, इनमें बड्स होती है, इन बड्स से एक नया पोटेटो आ सकता है। तो अगर तुम इसको सॉइल, इनको आइस भी कहते हैं, और अगर हम इनको हम डाल दें सॉइल में तो नया प्लांट आ जाएगा। तो देखो ये जो है ये स्टेम से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि स्टेम में भी बड्स अवेलेबल हैं, मतलब स्टेम में एक तरीके से मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, इनसे एक नया वो आ सकता है, प्लांट आ सकता है। जिंजर में, अनियन में ऐसा पॉसिबल है, स्ट्रॉबेरी में भी। शूट से क्या होता है? शूट्स में बड्स होते हैं, उससे नया प्लांट आ सकता है। ब्रायोफाइलम मतलब मनी प्लांट की, तो लीव्स में साइड में बड्स होते हैं, उन्हीं बड्स से क्या हो सकता है? नए प्लांट्स आ सकते हैं। ग्लैडियोलस जो होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं छोटे होते हैं, स्वॉलन होते हैं, इन्हें हम कॉम्स कहते हैं। अब जब भी प्लांट का कोई पार्ट रिप्रोड्यूस करने के लायक है, मतलब उसके पास मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक सेल्स है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब आजकल हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में जैसे मान लो मुझे ब्रोकली कैसे बनी, एक प्लांट का हमने
रूट और स्टेम दोनों लिया, इसे कहते हैं स्टॉक। दूसरे प्लांट का केवल स्टेम लिया, ठीक है, काट लिया उन दोनों को, उनको पॉलिथीन से बांध दिया। ये जो स्टॉक होगा इस काइन को न्यूट्रिएंट्स देगा। कुछ दिनों बाद स्काइन में भी अपने क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। और फिर इनको सॉइल में डाल दिया तुमने, एक नए तरीके का क्या हो गया, कॉलीफ्लावर निकल आया, उसका नाम रख दिया ब्रोकली। ऐसे नए नए तरीके के हम लोग फ्लावर्स प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, एलोवेरा में ऐसे ही ग्रो करते हैं। ये एलोवेरा है, एलोवेरा को स्टेम से काटा, जिसमें बड्स हैं, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको सॉइल में डाल दिया। जब सॉइल में डाला तो उसमें रूट्स आ गए और एक नया प्लांट ग्रो हो गया। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, ये प्लांट है, ये प्लांट की ब्रांच है, इसको हमने ऐसे घुमाया और ऐसे कर दिया, सॉइल के बाहर निकाल दिया थोड़ा सा, ऐसे घुमा के ब्रांच को। इसको हम कॉन्स्टेंटली पानी दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं पानी, दिए जा रहे हैं, इसके अपने आप रूट्स डेवलप हो जाएंगी। धीरे धीरे ये प्लांट बन गया, इसे कहते हैं हम लेयरिंग। तो एक ब्रांच ली, इसको बेंड किया, फिर उसको हमने कवर कर दिया सॉइल से, धीरे धीरे इसमें रूट्स डेवलप हो गई। नेक्स्ट होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम लोग एक ग्रोइंग प्लांट लेते हैं और उसको हम लोग एक उसमें डाल देते हैं, ग्रोइंग प्लांट को एक लिक्विड में डाल देते हैं, वो जो लिक्विड होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि वो तुम्हारा जो ग्रोइंग टिश्यू होता है वो और ज़्यादा क्या होता है, सेल्स उसके डिवाइड होते हैं, एक सेल का गुच्छा बन जाता है, उसे कहते हैं हम कैलिस। इसमें रूट्स आ जाती हैं, फिर इसको हम दूसरे लिक्विड में डालते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं नहीं, फिर इसकी स्टेम आ जाती है, फिर इसको तीसरे में डालते हैं, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, उसे नया प्लांट आ जाता है, फिर इसको सॉइल में डाल देते हैं। ऐसे नर्सरी में प्लांट्स ग्रो होते हैं कम जगह पे, पूरे साल में ग्रो होते हैं, पूरे साल में किसी भी सीज़न में तुम ग्रो कर दो, किसी भी सीज़न में कम जगह लेते हैं ग्रो करने के लिए, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। एडवांटेजेस क्या हैं भाई, पूरे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हो, कम जगह में ग्रो होता है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट की, और इनको कम अटेंशन चाहिए, और थ्रू आउट द सीज़न ग्रो हो सकते हैं, बट डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कहते हैं वीक होते हैं, क्या होते हैं, वल्नरेबल टू डिसीजेज होते हैं, और अगर मेन एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो अगर मान लो मेन प्लांट इन्फेक्टेड है तो ये भी इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो मेल जो वो होता है सेक्स सेल, उसको हम कहते हैं स्पर्म मेल, और सेक्स सेल को दूसरा नाम होता है गैमीट। गैमीट मेल सेक्स सेल को क्या कहते हैं, गैमीट। स्पर्म होता है, फीमेल सेक्स सेल को कहते हैं ओवा। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, और जायगॉट बनेगा, जायगॉट बनेगा। उसके बाद जायगॉट जो है, जायगॉट हमारा सिंगल सेल होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो मल्टी सेलर बनेगा, वो डिवाइड होगा, और ऐसे करके फिर तुम्हारा जो नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा। अब